स्वागतम टू अनादर टनादर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे सबको पता है नारुतो सीजन वन एंड हो चुका है और सीजन टू आने वाला है। और आज हम वही करने वाले हैं, सीजन टू में क्या क्या होने वाला है उसको थोड़ा सा हिंट देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जापानी जब देख चुका हूँ। और ज़्यादा कुछ स्पॉइलर नहीं देंगे, बस थोड़ा थोड़ा हिंट देंगे तुमको क्या क्या देखने को मिलेगा, कितना बढ़िया बढ़िया चीज़ देखने को मिलेगा वही मैं बताने वाला हूँ। और टेंशन मत लो, सीजन टू आएगा, डब हो रहा है, शायद अगले हफ्ते आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आएगा ये पक्का है, ठीक है। तो पहले जो अभी जो सीजन वन एंड हुआ उसमें दिखाया गया कि चुनिन एग्जाम का बस राइटिंग पार्ट अभी कंप्लीट हुआ है। तीन स्टेजेस है, एक है तुम्हारा राइटिंग, दूसरा है तुम्हारा सर्वाइविंग और तीसरा है फाइट, ठीक है। तो वो तीन स्टेजेस हुए, उसमें से एक स्टेज पूरा हो चुका है और बाकी जो दो स्टेजेस है वो काफ़ी बढ़िया होने वाला है। और जो इसमें जो अभी जो चल रहा है, अभी जो मतलब इसके बाद जो होगा, वो पहला जो होगा वो सर्वाइविंग। सर्वाइविंग में क्या होगा, एक जंगल में छोड़ा जाएगा और वहाँ पे तुमको सर्वाइव करके तुमको एक जंगल के बीचों बीच में किला पे पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो सर्वाइविंग मतलब उसमें है, उसमें गाइस तुम लोगों को देखने को मिलेगा नारुतो सीरीज का, नारुतो शिपुडन की बात नहीं कर रहा हूँ, नारुतो सीरीज का सबसे बड़ा विलेन को, मतलब लिटरली तुमको देखने को मिलेगा ओरोचिमारू को, जो और उसका जो पावर लेवल तुमको देखने को मिलेगा, तुम लोग चौंक जाने वाले हो। मैं अभी पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा स्पॉइलर हो जाएगा, तुम लोगों को हाइप बना रहा था कि तुम लोग समझ पाओ। उसमें जो पावर लेवल मिलेगा, मतलब अभी तक तुम लोगों को लगता है कि सास्के बहुत पावरफुल है, काकाशी बहुत पावरफुल है, नारुतो अगर नाइन टेल फॉक्स के स्प्रिट उस नाइन टेल फॉक्स की पावर आ जाए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। लेकिन किंतु परंतु यहाँ पे ओरोचिमारू नारुतो जब नाइन टेल फॉक्स के पावर लेगा, जब नाइन टेल के कंट्रोल में आएगा, फिर भी ओरोचिमारू उसको चुटकी में हरा देने वाला है, तुमको ऐसा देखने को मिलेगा। और तुम लोग तभी से समझ जाओगे कि वो कितना पावरफुल है ओरोचिमारू। और एक और थोड़ा सा लंबा कुछ बोल देता हूँ जो बहुत बाद में होने वाला है, वो है कि ये जो ओरोचिमारू है वो थर्ड होकागे, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, होकागे मतलब सबसे ऊपर होता है, तुम लोगों को पता है, अभी तक पता चल गया होगा सीजन वन देख लिया तो थर्ड होकागे को भी मार देने वाला है, इतना पावरफुल है ओरोचिमारू, वो दिखने वाला है। और तुमको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं कि ये जो सीजन टू होगा, सीजन टू में तुमको उसके बाद जो नारुतो सीरीज का सबसे बड़ा फाइट देखने को मिलेगा, जो कि है गारा और ली का, जो कि भाई लिटरली फाड़ देने वाला है, इतना बढ़िया फाइट होगा। और तुम लोग देखोगे वहाँ पे ली के पावर को, वहाँ पे वो लोग एट गेट ओपन करने वाला सीन, तुम लोगों को तभी पता चलेगा कि गेट क्या होता है। और वहाँ पे तुम लोगों को अच्छी सी फाइट देखने को मिलेगा, गारा का पावर देखने को मिलेगा और तुमको और भी अच्छा फाइट मिलेगा, जैसे इनो और सकूरा दोनों का तुम लोग देख सकते हो, राइवली होता रहता है तो उन दोनों का फाइट भी मिलेगा, नारुतो का भी फाइट देखने को मिलेगा। और काफ़ी बढ़िया बढ़िया फाइट है उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फाइट बढ़िया होने वाला है, एक तो नारुतो सीरीज में सबसे टॉप पे रहता है सास्के और नारुतो का फाइट, जो कि एकदम लास्ट में होता है, लेकिन ये वाला फाइट ना टॉप टू पे रहता है, ये गारा और ली का। इसमें जो पावर दिखाया गया है तुम लोग देख के मतलब तुम लोग को गूज बम्स आने वाले हैं। और उसके बाद जो है सीज़न थ्री में आएगा शायद, या सीज़न टू अगर लंबा हुआ तो उसमें दे सकते हैं, वो ये है शायद सीज़न थ्री में आने वाला है, उसमें तुम लोगों को देखने को मिल सकता है नारुतो का सबसे बड़ा टीचर, सबसे बड़ा गुरु जिसे बोलते हैं, वो देखने को मिलेगा, जो है जिराया। जिराया जो है वो जिया द गैलन, वो देखने को मिलेगा। और उसका पावर लेवल भी तुम लोग समझ जाओगे, जो ओरोचिमारू जब नारुतो के पावर को सप्रेस कर दिया था, मतलब बंद कर दिया था, तो फिर जिराया उसको खोलने वाले हैं, इतना ज़्यादा पावरफुल है वो जिराया। तो जिराया सुनाटे और ये तुम लोग का लिंक भी पता चलने वाला है, तो तुम लोग जो लोग नए नए देख रहे हो नारुतो, वो लोग वेट करो, बहुत सही सही चीज़ देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा फिलर एपिसोड होंगे, लेकिन तुमको जो देखने मिल रहा है वो खतरनाक लेवल का होगा, उसके लिए तुम लोग को बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और फिर तुम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी इसी सीज़न टू ही ख़त्म होता है, अगर इसके बाद और भी ऐसे वीडियो चाहिए बाकी सीजन्स के या फिर बाकी एपिसोड के, तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।